हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि गिटार में जो ट्रस रॉड होती है उसको कैसे एडजस्ट किया जाता है, साथ ही साथ मैं नेक एडजस्टमेंट से रिलेटेड कुछ टिप्स दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रस रॉड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है गिटार के मेंटेनेंस के लिए। ऑलमोस्ट सभी गिटार्स में आपको ट्रस रॉड देखने को मिल जाती है, जैसे कि एकॉस्टिक गिटार, इलेक्ट्रिक गिटार, बेस गिटार। सिर्फ क्लासिकल गिटार ऐसा होता है जिसमें कुछ कंपनीज जो है वो ऑफर करती हैं और कुछ कंपनीज नहीं करती, क्योंकि उसमें ज़रूरत नहीं होती, नायलॉन स्ट्रिंग्स होती है उसके अंदर, तो वो इतनी टेंशन नहीं क्रिएट करती नेक पे कि ट्रस रॉड की ज़रूरत पड़े। साथ ही साथ यूकेलेले में भी जैसे कि नायलॉन स्ट्रिंग्स ही होती हैं तो उसके अंदर भी आपको ट्रस रॉड की ज़रूरत नहीं होती। अब अगर हम एकॉस्टिक गिटार या इलेक्ट्रिक गिटार या इवन बेस गिटार की बात करें तो इनमें जो स्ट्रिंग्स होती है उससे काफ़ी टेंशन क्रिएट होती है नेक पे, तो ट्रस रॉड बहुत मैंडेटरी हो जाती है कि नेक बेंड हो अगर कभी भी तो वो आराम से स्ट्रेट हो जाए, कोई दिक्कत ना आए, इसलिए उसके अंदर ट्रस रॉड लगाई जाती है। तो आज जो मैं आपको नेक एडजस्टमेंट बताऊंगा वो ऑलमोस्ट सेम रहेगी तीनों गिटार्स के लिए, चाहे वो एकॉस्टिक गिटार है, चाहे वो इलेक्ट्रिक गिटार है, चाहे वो बेस गिटार है। अब गिटार का नेक दो तरीके से बेंड होता है। जो पहली सिचुएशन होती है उसमें क्या होता है कि गिटार का जो नेक है वो एक कॉनकेव शेप ले लेता है, या इसको कहना चाहिए एक बो सा फॉर्म होता है। इसमें क्या होता है, जो स्ट्रिंग और फ्रेटबोर्ड का डिस्टेंस है वो बढ़ जाता है, तो गिटार प्ले करने में काफ़ी दिक्कत होती है। आप चाहे कॉर्ड्स प्ले कर रहे हो, चाहे लीड्स प्ले कर रहे हो, काफ़ी मुश्किल हो जाता है प्ले करना, साथ ही साथ वो पेनफुल भी हो जाता है। दूसरी जो सिचुएशन होती है उसमें क्या होता है, जो नेक है वो स्ट्रिंग्स के पास आ जाता है, जो गैप है स्ट्रिंग और फ्रेटबोर्ड के बीच में वो बहुत कम हो जाता है, एक हम्प सा फॉर्म होता है, या इसे कहेंगे कॉन्वेक्स शेप बन जाती है। इसमें क्या होता है, स्ट्रिंग्स काफ़ी बस करती हैं, चाहे फ्रेडबोर्ड पे प्रेस करके कर रहे हो प्ले या ओपन स्ट्रिंग्स प्ले कर रहे हो, दोनों ही केसेस में काफ़ी बजिंग होती है। तो अगर एक बो फॉर्म होता है तो उसका मतलब होता है कि नेक में काफ़ी रिलीफ आ गया है, जो ट्रस रॉड है वो काफ़ी लूज है, तो उसको टाइट करना पड़ता है ताकि नेक जो है स्ट्रेट हो जाए। और अगर एक कॉन्वेक्स शेप बनती है, अगर एक हम्प आया होता है, स्ट्रिंग और फ्रेडबोर्ड के बीच में गैप कम है, इसका मतलब है कि जो ट्रस रॉड है वो काफ़ी टाइट है, तो इस केस में क्या होता है, आपको ट्रस रॉड को लूज करना पड़ता है नेक स्ट्रेट करने के लिए। तो इस गिटार में जो नेक है उसमें हल्का सा हम्प है, जो स्ट्रिंग्स और फ्रेडबोर्ड का डिस्टेंस है वो काफ़ी कम है, तो एक बार मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ कि कैसी बजिंग आ रही है इसके अंदर। तो देखिए, जो ये बजिंग आ रही है इसका मतलब होता है कि जो स्ट्रिंग और फ्रेटबोर्ड का डिस्टेंस है वो काफ़ी कम है। अब ये कैसे चेक करें कि गिटार का नेक बेंड है कि नहीं, ये भी काफ़ी इजी रहता है, काफ़ी सिंपल तरीका होता है। आप बस अपना गिटार लीजिए और इधर से देखिए, जो ये नट होता है यहाँ से आप ब्रिज की तरफ देखिए और स्ट्रिंग और फ्रेटबोर्ड के बीच का डिस्टेंस देखिएगा, तो इस तरह हम देखते हैं। तो जब आप देख रहे हो तो स्ट्रिंग और फ्रेटबोर्ड पे फोकस रखिए, इसके बीच के गैप पे फोकस रखिए, आपको आराम से दिख जाएगा कि बेंड है कि नहीं। आप इसको देख के डिसाइड कर सकते हैं, आपको क्लियरली शेप दिख जाएगी कि कौन सी है। मैं आपके साथ दो पिक शेयर करता हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। अब ट्रस रॉड एडजस्टमेंट के लिए जो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी टूल चाहिए वो है एलन की। तो इसमें मेनली दो साइजेस चलते हैं गिटार की ट्रस रॉड एडजस्ट करने के लिए। एक होता है 4 mm, मोस्टली सारे जो गिटार्स होते हैं, चाहे वो एकॉस्टिक गिटार है, चाहे वो इलेक्ट्रिक गिटार है, उसमें 4 mm की एलन की यूज़ होती है। और कुछ कुछ गिटार्स होते हैं जिसमें 5 mm की भी एलन की यूज़ की जाती है। अब ट्रस रॉड जो लोकेटेड होती है वो एकॉस्टिक गिटार में कहीं और होती है और इलेक्ट्रिक गिटार में कहीं और। तो एकॉस्टिक गिटार में जो है आपको साउंड होल के अंदर मिल जाएगी, जहाँ पे नेक और बॉडी ज्वाइन हो रही है, इधर साउंड होल के अंदर आप देखेंगे तो ट्रस रॉड होती है। और इलेक्ट्रिक गिटार में हेड में होता है ट्रस रॉड कवर, तो इसमें एक स्क्रू लगा होता है, तो उसको हटाइए और यहाँ पे जो है आपको ट्रस रॉड देखने को मिल जाती है। तो अब ट्रस रॉड कैसे एडजस्ट करी जाती है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे एकॉस्टिक गिटार में ट्रस रॉड कैसे एडजस्ट की जाती है। जैसे कि ये जो गिटार है इसमें मैंने जो नेक है उसको डेलिब्रेटली बेंड किया हुआ है, तो इसमें क्या है, एक हम फॉर्म हुआ हुआ है, स्ट्रिंग और फ्रेटबोर्ड का डिस्टेंस कम है, तो उसको हम ठीक करेंगे और नेक को स्ट्रेट करेंगे। अब इस गिटार में 4 mm की एलन की लगेगी, तो यहाँ पे मेरे पास दो एलन की हैं 4 mm की, तो ये जो है कॉर्ड के साथ ही मिलती है और ये मैंने अलग से खरीदी हुई है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप थोड़ी बड़ी एलन की लीजिए, जैसे ये भी ठीक है चल जाएगी,
लेकिन अगर आप थोड़ी बड़ी एलन की लेते हैं तो एडजस्टमेंट काफ़ी ईजी हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं आती। तो जो सबसे पहला स्टेप होगा, थर्ड और फोर्थ स्ट्रिंग को हल्का सा खींचिए और फिर जो है अपनी जो एलन की है उसको लगाइए। जब ये एक बार अच्छे से फंस जाए तो आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसमें जो मेन फैक्टर है वो है कि किस तरफ घुमाना है। तो देखिए, जैसे कि अभी क्या है, स्ट्रिंग और फ्रेटबोर्ड का डिस्टेंस कम है, इसका मतलब ट्रस रॉड जो है वो काफ़ी टाइट हो रखी है, उसको लूज करना है। और अगर एक बो फॉर्म हुआ होता, अगर कॉनकेव शेप होती, स्ट्रिंग और फ्रेटबोर्ड का डिस्टेंस ज़्यादा होता, तो उसका मतलब था ट्रस रॉड जो है वो लूज़ है, उसको टाइट करना है। तो जैसे कि अभी फ़िलहाल मुझे इस गिटार में लूज़ करना है, तो इसके लिए मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड घुमाऊंगा। इसका बहुत सिंपल तरीका होता है याद रखने का, मैंने एक वीडियो में देखा था गिटार वर्ल्ड मैगजीन की, उसमें उन्होंने बड़ा ही सिंपल फ्रेज बताया था, लेफ्टी लूजी राइटी टाइटी। ये थोड़ा फनी लग सकता है कई लोगों को, लेकिन ये बहुत ही अच्छा तरीका है याद रखने का कि लेफ्ट की तरफ घुमाएंगे तो लूज़ होगा, राइट की तरफ घुमाएंगे तो टाइट। तो आप इसको कैसे भी याद रख सकते हैं, राइट टाइट, लेफ्ट लूज़, इस तरह भी याद रख सकते हैं। काफ़ी ईजी है ये फ्रेज़ और काफ़ी अच्छा है। उस वीडियो को देखने के बाद मेरे को तो हमेशा ये इस तरह ही याद रहा। तो चाहे इलेक्ट्रिक गिटार हो चाहे एकॉस्टिक गिटार हो, तो उसमें बस ये कॉन्सेप्ट सिंपल सा याद रखिए, राइट टाइट लेफ्ट लूज़। तो अब जैसे मुझे ट्रस रॉड को लूज़ करना है तो मैं इसे लेफ्ट हैंड साइड घुमाऊंगा। तो जैसे अगर मैं इस तरह गिटार को रखूं तो ये मेरा लेफ्ट हो गया, ये मेरा राइट हो गया। तो इस तरफ मैं घुमाऊंगा तो कुछ नहीं करना आपने, ये जैसे आराम से एलन की लग गई, थोड़ा सा नेक का ध्यान रखिए, गिटार जो है आपके ही कंट्रोल में हो, आपकी ग्रिप में हो, कहीं स्लिप ना करे, और हल्का सा घुमाइए, बहुत ज़्यादा मत घुमाइएगा। अभी जैसे ट्रस रॉड जो है बहुत टाइट हो रखी है, तो मैं बहुत आराम आराम से घुमाऊंगा। अगर आप बहुत ज़्यादा घुमा देते हैं तो डैमेज होने का डर रहता है, पहले थोड़ा थोड़ा घुमाइए। जैसे अगर आपका कोई नया गिटार होता है तो नए गिटार में क्या होता है, ट्रस रॉड जो है वो घुमाई नहीं होती, उसमें क्या है हल्का सा कुछ आवाज़ आ सकती है घुमाते वक्त, तो थोड़ा थोड़ा उसको रोटेट करिए, बहुत ज़्यादा मत रोटेट करिएगा। और किसी एग्जिस्टिंग गिटार में मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आराम आराम से रोटेट करिए, बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली उसको मत घुमाइए। साथ ही साथ अगर ट्रस रॉड जैम हो गई है, जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि ट्रस रॉड मूव नहीं कर रही, आप बहुत ज़्यादा फोर्स मत लगाइए, ज़्यादा बेटर रहेगा किसी गिटार टेक्नीशियन के पास जाइए, वो आराम से कर देगा उसको, आप अपनी तरफ से ज़्यादा फोर्स मत लगाइए। तो चलिए इसको एक बार ठीक करते हैं। तो अब क्योंकि ट्रस रॉड मेरे को लूज़ करनी है तो मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड में घुमा रहा हूँ। तो जैसे ये आवाज़ आई, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि अगर हल्की सी भी आ गई है तो आप वहीं रुक जाइए या हल्का हल्का लीजिए। जब बहुत टाइट होती है तो इस तरीके की आवाज़ आती है। तो अब बस आराम आराम से इसको घुमाइए, कोशिश करिए कि आपकी जो एलन की है वो स्ट्रिंग पे ना लगे। अगर वो स्ट्रिंग्स पे लगती है तो हल्का सा डेंट पड़ने का रहता है, स्ट्रिंग जो है थोड़ी सी डैमेज हो जाती है, वैसे ऐसा कोई दिक्कत नहीं आती, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन आप अवॉइड कर सकते हैं। कई लोग ऐसा भी करते हैं कि उसमें एक पेपर फोल्ड करके लगा देते हैं स्ट्रिंग पे, ताकि जो है डेंट ना पड़े स्ट्रिंग पर। तो चलिए एक बार देखते हैं कि किस तरह हुआ है। तो नेक हो गया स्ट्रेट, अब बेटर है पहले से, आप देख सकते हैं पहले कहाँ बजिंग आ रही थी, अब बजिंग की प्रॉब्लम गई। तो जो नेक है वो स्ट्रेट है। अब जो नेक होता है वो एकदम स्ट्रेट नहीं होता, हल्का सा रिलीफ या हल्का सा बो जो है वो चलता है, कोई दिक्कत नहीं होती उसके अंदर, बहुत ज़्यादा बो नहीं होना चाहिए लेकिन हल्का सा जो है वो रेकमेंडेड रहते हैं। तो अब एकदम फर्स्ट क्लास हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब अगर इलेक्ट्रिक गिटार की बात करें ट्रस रॉड एडजस्टमेंट की, तो जैसे कि मैंने आपको बताया हेड में यहाँ पे स्लॉट होता है जिसमें से आपको ट्रस रॉड दिख सकती है, तो इसमें भी जैसे 4 mm की एलन रेंच लगेगी। तो इसके लिए क्या है, जब आप ट्रस रॉड एडजस्ट करें इलेक्ट्रिक गिटार में, तो क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारी स्ट्रिंग्स हैं, उतना गैप नहीं है जितना कि एकॉस्टिक गिटार में था, तो आप इसको क्या करिए, इसमें फोर्थ स्ट्रिंग जो है, देखिए ये फोर्थ स्ट्रिंग की नॉब है, इसमें आप फोर्थ स्ट्रिंग को लूज कर लीजिए। और जो थर्ड स्ट्रिंग है उसे भी लूज कर लीजिए। तो इसमें थोड़ा सा आपको गैप मिल जाता है। तो इलेक्ट्रिक गिटार की ट्रस रॉड एडजस्टमेंट में भी वही कॉन्सेप्ट लगेगा कि आप जब लेफ्ट में घुमाएंगे
तो वो लूज हो जाएगी, और जब आप राइट में घुमाएंगे तो टाइट। अब इसमें लेफ्ट और राइट कैसे होगा, आप जैसे ये हेड की तरफ से जा रहे हैं तो ये मेरा लेफ्ट हो गया, ये मेरा राइट हो गया, तो लेफ्ट की तरफ घुमाऊंगा तो लूज, राइट की तरफ घुमाऊंगा तो टाइट। तो ये थी नेक एडजस्टमेंट की बात। तो आपने देख लिया एकॉस्टिक गिटार में नेक कैसे एडजस्ट होता है, इलेक्ट्रिक गिटार में कैसे एडजस्ट होता है। दोनों में जो कॉन्सेप्ट रहता है वही लेफ्ट लूज एंड राइट टाइट, उसको याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको नेक एडजस्ट करने में। बस एक चीज़ का ध्यान रखिए कि एकॉस्टिक गिटार में ज़्यादा चांसेस होते हैं नेक डैमेज के एज़ कम्पेयर इलेक्ट्रिक गिटार के, क्योंकि इलेक्ट्रिक गिटार काफ़ी सॉलिड बिल्ट होता है और उसमें इतनी दिक्कत नहीं आती। तो आप थोड़ा सा केयरफुल रहिए जब आप एकॉस्टिक गिटार का नेक एडजस्ट कर रहे हैं, क्योंकि इसका जो नेक है उसके डैमेज होने का डर रहता है। कभी आपसे अगर गलती हो जाए, एक्सीडेंटली आपने बहुत ज़्यादा घुमा दी, काफ़ी ज़्यादा कुछ आवाज़ आई, तो सबसे पहले आप ये नेक जॉइंट चेक करिए। तो जो ये नेक जॉइंट होता है इसको चेक जब आप करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि कोई दिक्कत तो नहीं आई है। तो जिसे नेक होता है कई बार स्ट्रेट रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें गिटार प्ले करने में अनकंफर्टेबल लगता है, जो स्ट्रिंग्स हैं वो ज़्यादा प्रेस करनी पड़ती हैं, उसका रीज़न होता है बैड सेटअप। अब ऐसा होता है जब फैक्ट्री से गिटार मैन्युफैक्चर होकर निकलता है तो सेटअप पे इतना फोकस नहीं होता, और मोस्टली ये प्रॉब्लम्स आती है OEM गिटार्स में, जैसे कि मैंने एक वीडियो बनाई थी, आप वो देख सकते हैं, उसका लिंक मैं दे दूंगा आई बटन में। तो OEM गिटार्स जो होते हैं उसमें ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि नेक स्ट्रेट भी रहेगा, उसके बावजूद भी जो है एक्शन काफ़ी हाई रहता है, स्ट्रिंग और फ्रेटबोर्ड के बीच में जो गैप होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है कि नेक स्ट्रेट है उसके बावजूद भी आपसे बजाया नहीं जा रहा, काफ़ी दिक्कत हो रही है, स्ट्रिंग और फ्रेटबोर्ड का डिस्टेंस ज़्यादा है, तो उस केस में आप किसी भी अपने एरिया में या अपनी सिटी में जो भी गिटार रिपेयर वाला है उसके पास जाइए, और या तो सैडल फाइल होगी या नट फाइल होगा जिससे कि वो डिस्टेंस कम किया जा सकता है। इस चीज़ को आप खुद मत ट्राई करिए, ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है, ये बेटर है कि आप किसी रिपेयर वाले के पास जाइए और इस चीज़ को कराइए। और इलेक्ट्रिक गिटार की बात करें तो इलेक्ट्रिक गिटार में अगर इस तरीके की प्रॉब्लम होती है तो वो ब्रिज से ही ठीक हो जाती है, नट बहुत कम केसेस में होता है कि फाइल करना पड़े, नट को छेड़ने की ज़रूरत ही नहीं होती। तो जैसे कि यहाँ पे मेरे पास फिक्स ब्रिज का गिटार है, इसमें दो स्क्रूज होते हैं, उसको आराम से घुमाइए और जो स्ट्रिंग्स का डिस्टेंस है वो कम हो जाता है। ऐसी दूसरे तरीके का एक ब्रिज होता है फ्लॉयड रोज ब्रिज, जिसमें एक ट्रेमोलो लीवर भी लगता है, तो उसमें पीछे स्प्रिंग्स होते हैं और उसमें भी दो स्क्रूज होते हैं, तो उससे भी एडजस्ट किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन जैसे फिक्स ब्रिज है वो आप खुद एडजस्ट कर सकते हैं, इसमें एक स्क्रू ड्राइवर चाहिए और आप खुद ही कर सकते हैं इसको। इसकी मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, इलेक्ट्रिक गिटार की एक डेडिकेटेड वीडियो मैं अलग बनाऊंगा इस तरीके की एडजस्टमेंट की। लेकिन अगर फ्लॉयड रोज ब्रिज होता है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप किसी टेक्नीशियन के पास ही जाइए, किसी रिपेयर वाले के पास ही जाइए अपने एरिया या सिटी में, और वो आप उससे एडजस्ट कराइए। तो आई होप आज की वीडियो आपको यूजफुल लगी हो, आप अपने ट्रस रॉड को आराम से एडजस्ट कर पाएं। अगर आपको कोई डाउट्स या क्वेरीज हैं तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं ज़रूर आंसर करूंगा। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आएँ तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ उस बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी, जिसके लिंक्स मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन में। बहुत सी नई और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आ रही है इस चैनल पर, स्टे ट्यून्ड। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, बाय।